अपने कलेजे के टुकड़े को माँ बाप रोज कुछ घंटों के लिए स्कूलों को सौंपते हैं, तो एक भरोसा सा मन में होता है कि इस दौरान शिक्षक माता पिता की तरह ही उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल कि अपने बच्चे को शिक्षक दर्द से बिलबिलाते छोड़ सकते हैं? पर कैंपस में एक बार फिर टीचर की ऐसी एक करतूत उजागर हुई जो बच्ची की जान पर भी भारी पड़ती दिखी। मामला जमशेदपुर का है, जहां एक स्कूल में दूसरी कक्षा की मासूम बच्ची घंटों मधुमक्खी के दंश को झेलने के लिए विवश रही। बार बार टीचर से मदद की गुहार लगाती रही, पर टीचर बजाय उसकी समस्या को दूर करने के धमकी देकर उसे भयभीत करती रही। जब तक बच्ची घर लौटी, तब तक उसके कोमल शरीर पर कई जगह मधुमक्खियों ने काट लिया था। हर्षिता चंद्रा है, जो टैगोर स्कूल में 2A क्लास में पढ़ती है। जो मेरी बेटी जब 31 तारीख को टैगोर स्कूल में जब गई थी, तो इंग्लिश स्पेलिंग डिक्टेशन क्लास में क्या हुआ कि उसको कोई कीड़ा उसको पकड़ा हुआ था और काटा था, तो उसके बाद टीचर को बोलने गई थी, तो टीचर उसको भगा दी कि जाओ तुमको, नहीं तो एडमिशन का ये करो, नर्सरी में एडमिशन करा देंगे। तो उसी डर से बच्चा अपना जाकर बैठ गया, जैसे बच्चा डर गया। और उससे हम लोग क्या हुआ कि जब घर आए तो उसकी मम्मी देखी तो पूरा शरीर में पूरा एकदम कीड़ा काटा हुआ था। फिर उसका बुखार तबीयत ख़राब शुरू हो गया। फिर हम लोग नीचे स्तर से डॉक्टर अग्रवाल सर, डॉक्टर टू लोकटे के सर, डॉक्टर अभिषेक, तीनों डॉक्टर को दिखाने के बाद जब इलाज से सही नहीं हुआ तो हम लोग PMH में एडमिट कराए। हद कर देने वाली बात है। अगर मान लीजिए छोटे बच्चे जिसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वह बच्चे को मैंने कलेजे के टुकड़े को कोई परिवार अपने बच्चों को किसी विद्यालय में भेजता है, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी विद्यालय की होती है, उसके व्यवस्थापक की होती है। मोटी रकम सुनना मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चा को शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी देना विद्यालय का परम कर्तव्य बनता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत टैगोर एकेडमी ने जो किया, बच्चे आज मौत और जिंदगी से लड़ रही है, आप देख सकते हैं, आप देख लाइए, वहां बच्चे आज मौत और जिंदगी से लड़ रही है। इसकी क्या हालत हो गई है कि बच्चे लगभग हमें लगता है कि 15 दिन से खाना नहीं खा रही है। इसके पिताजी और माताजी ने मेरे को बुलाया और बताया कि भैया हम लोग तो इलाज में लग गए, हम लोग तो बेटी का जान बचाने में लग गए, इसलिए हम लोग इसकी शिकायत नहीं कर पाए। लेकिन कल मैं साक्षी थाना में जाकर टैगोर एकेडमी के जो व्यवस्थापक है, जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल है, जो क्लास टीचर, जिन्होंने इसे धमकी दिया कि रोगी तो तुम्हारा हम क्लास 2 से नाम काट कर हम KG में कर देंगे। मासूम बच्ची 15 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वहीं माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह तड़पते देख खून के आंसू रो रहे हैं। पिता के बयान पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। साथ ही स्कूल की प्राचार्या M. मजूमदार ने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्ची के साथ है। जमशेदपुर से अन्य अमृता और रंजीत ओझा की रिपोर्ट।